डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बाई फर्स्ट प्रिंसिपल इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव देते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ पर हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो गया, साइन ऑफ एक्स प्लस एच हो गया। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव क्या हो गया, एफ डैश एक्स क्या हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब हम जानते हैं कि साइन ऑफ, अगर साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, टू इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू। ये फॉर्मूला इस पर लगाएंगे तो क्या हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू इंटू कॉस ऑफ क्या हो गया, एक्स प्लस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू पूरा के डिवाइडेड बाई एच इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू इंटू कॉस ऑफ टू एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन ऑफ एक्स और एक्स कट गया तो हो गया एच डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई एच हो गया। और इसे लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू कॉस इंटू एक्स प्लस एच बाई टू इंटू साइन ऑफ एच डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई एच। इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंड्स टू जीरो टू इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई टू इंटू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ एच बाई टू डिवाइडेड बाई एच बाई टू इंटू वन बाई टू लिख सकते हैं, क्योंकि टू टू कैंसिल हो जाएगा तो एच एच रह जाएगा तो उसी रूप में चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, टू इंटू कॉस एक्स प्लस ये कितना एच बाई टू, एच का वैल्यू अगर जीरो रखें जीरो बाई टू जीरो हो गया इंटू साइन ऑफ एच बाई टू डिवाइडेड एच बाई टू ये कितना हो गया वन लिमिट के अनुसार इंटू वन बाई टू बराबर क्या हो गया, टू से टू कट गया बराबर हो गया कॉस ऑफ एक्स। तो फर्स्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से कितना गया, ये आ गया इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, ये हो गया आपका आंसर।